इसराइल हमास युद्ध के सातवें आठवें दिन ही ये कयास लगाए जा चुके थे कि ये युद्ध अब थोड़ा फैलेगा और आसपास के देशों में से जो इस तरीके के आतंकी संगठन हैं जैसे हिजबुल्ला, हुती, ये सब सक्रिय हो जाएंगे और वही होता दिख रहा है युद्ध के चौदहवें दिन। इसराइल आज तक के सबसे बड़े संकट से फिलहाल घिरा हुआ दिख रहा है। अभी तक इसराइल पर दो और से हमले हो रहे थे, यानी टू फ्रंट से अटैक हो रहे थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इसराइल तीनों ओर से घिर गया है। एक तीसरे देश से इसराइल पर हमले किए गए हैं, जिसके बाद इसराइल की सेना एक और मोर्चे पर घिर सकती है। आइए अब आपको पूरी स्थिति समझाते हैं वॉल ग्राफिक्स के जरिए, और इस वॉल पर ध्यान दें कि कहां कहां से अब अटैक हो रहे हैं। सबसे पहले 7 अक्टूबर को इसराइल में घुसकर हमास के लड़ाके लोगों ने हत्या की थी, और वो दक्षिण इसराइल में हुआ था, साउथ इसराइल में, यहीं से ये गाजा और हमास के यहां से इन्होंने घुसकर अटैक किया था और दक्षिणी इसराइल में घुस गए, जिसमें सैकड़ों इसराइल के लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद इसराइल ने हमास के ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। गाजा में ताबड़तोड़ हवाई हमले, अब तक 3500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अभी भी गाजा से हमास के लड़ाके इसराइल पर हमला कर रहे हैं, तो ये यहां से हॉट एक्शन जारी है गाजा और वेस्ट बैंक में। लेकिन उसके साथ साथ हमास के बाद एक और आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने लेबनन से इसराइल पर अटैक किया। अब हिजबुल्ला से लेबनन, ये यहां लेबनन से अटैक आता है, तो अब आप देख सकते हैं कि डायमेंशन और डायरेक्शन बदल गया अटैक का। इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया इसराइल द्वारा, जिसके बाद इसराइल ने भी लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए, जिसमें अब तक हिजबुल्ला के कई सारे लड़ाके मारे जा चुके हैं। फिर यहां यमन के हुती रेबल सक्रिय हो जाते हैं, और जैसे ही हुती सक्रिय होते हैं यमन में, तो वो अटैक का डायमेंशन अब आप देख रहे हैं इसराइल से अब दूसरी तरफ, थर्ड फ्रंट खुल जाता है। फाइनली हिजबुल्ला और हमास के बाद ये आतंकी संगठन हुती, इनकी भी एंट्री होती है, जिनका सऊदियों से भी पंगा है। हुती ने भी इसराइल पर हमले किए, यमन से हुती के कई मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। हालांकि लाल सागर के ऊपर अमेरिका की नेवी ने इसराइल की ओर जा रही मिसाइलों को मार गिराया, क्योंकि अमेरिका के यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहाँ रुके हुए हैं, रेड सी में भी उनके तैनात हैं डिफेंस एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और जिन्होंने ये जो ड्रोन उड़ रहे थे, और हुतीज का अटैक तरीका ही ड्रोन का है। याद है कि सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट्स पर भी हुती आतंकियों ने ड्रोन द्वारा अटैक किया था। अब फिर वही कोशिश की गई, जिसको कि अब अमेरिका ने मार दिया, और वहां से जो रॉकेट्स भी छोड़े गए उन मिसाइलों को भी अमेरिका ने मार गिराया और कहा कि देखिए हम इसराइल की सुरक्षा करेंगे। लेकिन वहां ग्राउंड पर लेबनन, यमन, इन सारे देशों में अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी इंस्टॉलेशंस पर भी अटैक्स हो रहे हैं, जिसका अब अमेरिका ने कहा कि वो भी जमकर जवाब देगा, लेकिन अपने समय अनुसार करेगा, अपनी नियति अनुसार करेगा। वहीं अभी तो इसराइल और हमास की जंग चल रही है, लेकिन और इस दौरान इसराइल को तीन फ्रंट से लड़ना पड़ रहा है। एक फ्रंट गाजा पट्टी का, दूसरा फ्रंट वेस्ट बैंक का है, और एक फ्रंट लेबनन की सीमा पर हिजबुल्ला आतंकियों ने खोल रखा है। लेकिन इसके अलावा और युद्ध के फ्रंट खुलने की आशंका है। एक मोर्चा यमन से खुलने की आशंका है, क्योंकि वहां से हुती आतंकियों ने गुरुवार को इसराइल की ओर मिसाइलें दागी थी, जिसे लाल सागर के ऊपर अमेरिका की नेवी ने इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। एक और मोर्चा अब सीरिया की ओर से खुलने की आशंका है, जिसकी धमकी एक बार नहीं कई बार ईरान दे चुका है, और सीरिया की सीमा पर ईरान समर्थक मिलिशिया पहुंच चुकी है। तीसरा मोर्चा जॉर्डन की तरफ से भी खुल सकता है। इसराइल की सेना ने जॉर्डन की सीमा पर टैंकों की तैनाती भी शुरू कर दी है। और चौथा सबसे खतरनाक मोर्चा खुल सकता है ईरान से, जो इसराइल के साथ या अमेरिका के साथ सीधी जंग में उतर सकता है। कहने का मतलब यह है कि हमास के हमलों से शुरू हुआ युद्ध अभी और बढ़ सकता है और पूरे पश्चिम एशिया को जंग की आग में झोंक भी सकता है। वहीं हमास हिजबुल्ला के बाद एक और बर्बर आतंकी संगठन हूती की इसराइल जंग में एंट्री हुई है। हूती ने इसराइल पर कई मिसाइलों से हमला किया। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हूतियों ने कैसे इसराइल पर हमला किया। हुती आतंकी संगठन ने यमन से लगातार तीन मिसाइलें इसराइल की ओर निशाना बनाते हुए फायर किया इस तरफ, और ये देखिए बीच में एक और देश है, इसके ऊपर से ये फायर कर रहे थे, लेकिन यहां अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस कार्नी यहां तैनात है, जिसने लाल सागर में तैनात इस यूएसएस कार्नी ने मध्य में ही, हवा में ही इन मिसाइलों को इंटरप्ट कर दिया।
बीच में ही लाल सागर, जैसे मैं कह रहा हूँ, मौजूद था और हुती द्वारा हमले किए गए तीनों मिसाइलों को एक एक करके मार गिराया आप, जिसकी वजह से इसराइल पर एक बहुत बड़ा संकट जो मंडरा रहा था वो टल गया, क्योंकि यहाँ पर यूएस मौजूद है कवर फायर देने के लिए इसराइल को। वहीं हमास हिजबुल्ला के बाद हुती ने भी इसराइल पर हमले किए। हालांकि अमेरिका ने उन मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन यहाँ पर ये अटैक्स रुकेंगे नहीं। आइए अब आपको हुतियों के बारे में समझाते हैं। हुती आतंकी संगठन की स्थापना 1994 में हुई थी। इस आतंकी संगठन की स्थापना हुसैन बद्रुद्दीन उल अल हुती ने की थी। हालांकि हुसैन अल हुती की हत्या 2004 में यमन के सैनिकों ने कर दी थी। हुसैन अल हुती की हत्या के बाद उसका भाई इस संगठन को चलाने लगा। अभी संगठन की कमान हुसैन के भाई अब्दुल मलिक के हाथ में ही है। हुती पर कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने का आरोप है, जिसके बाद अमेरिका ने हुती को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। सऊदी अरब से लेकर कई देश ईरान पर हुती आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के साथ उनके लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का आरोप भी लगाते रहे हैं। हुती के ठिकानों पर सऊदी अरब लगातार कार्रवाई भी करता रहा है। हुती पर सऊदी अरब यूएई के शहरों पर हमले के आरोप भी लगते रहे, जैसा मैंने आपको बताया कि 2021-22 में भी ड्रोन अटैक्स किए गए थे सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर, वो भी हुतियों द्वारा, और सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई की थी तब। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हुती आतंकी संगठन पर इस मिसाइल हमले को अंजाम देने का आरोप लगा है। हालांकि लाल सागर में अमेरिकी नेवी ने इन मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब हम आपको हुती आतंकी संगठन की ताकत के बारे में भी बताते हैं। हुती के संगठन में यमन के पूर्व सैनिक भी जुड़े हुए हैं। हुती संगठन के पास करीब 2,00,000 लड़ाके हैं। हुती संगठन के पास मिसाइल ड्रोन से लेकर घातक मिसाइल्स हैं और हथियार भी हैं। हुती संगठन का प्रभाव यमन से लेकर सऊदी अरब और यूएई तक दिखता है। यमन के एक तिहाई इलाकों पर हुतियों का कब्जा है। इसके साथ ही यमन की सत्ता पर भी हुतियों की पकड़ है। इसके साथ ही ईरान पर हुती को हथियार से लेकर उन लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का आरोप भी है। अब आप देखें कि हर डायमेंशन में ईरान का हाथ दिखता है। हमास एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है, लेकिन एक शिया देश, शिया प्रधान देश ईरान उसकी मदद कर रहा है। हुती जिनका कब्जा यमन पर है उनकी भी मदद ईरान कर रहा है, और हिजबुल्ला उनकी भी मदद ईरान कर रहा है। तो देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं ईरान का हाथ साफ दिखता है इस पूरे खेल में जो आपको दिख रहा है, जो बवाल हो रहा है वेस्ट एशिया में, और तीनों ओर से फिलहाल इसराइल घिरा हुआ है। अखाड़ा मिलेगी एक छोटा सा ब्रेक।